हेलो एवरीवन, आज के मेरे एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज धूप बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा है कि सो के उठ के सबसे पहले जो है ना, मैं हमाम चलाऊंगी, फिर नहाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी, उसके बाद ही बाकी काम करूंगी। तो अभी मैं ना हमाम जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर जा रही हूँ, तो पहले इसको काटते हैं, फिर हमाम जलाते हैं और फिर कपड़े धोते हैं। मैंने तो कपड़े धोने ही थे, क्योंकि मेरे तो सारे सूट धोने के लिए थे, सारे नाइट सूट धोने के लिए थे, कपड़े पहनने के लिए थे ही नहीं। बट शगुन और गुड़िया के भी बहुत से कपड़े धोने को थे, तो इन दोनों ने भी बोला कि हमें भी धोने, तो हम तीनों ने मिलकर कपड़े धोए। मैंने ना एक बार भी नहीं डाला गरम पानी में। इसको वॉशिंग मशीन में ले जाती हूँ सुखाने के लिए, ये वाला इसको भी। क्यों? अरे यार पूरे तो कपड़े धो, अभी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ कपड़े धोने। क्या सारे कपड़े धो? ये मैं सोच रही हूँ तब तक बाल्टी खाली हो जाती है, एक बाल्टी खाली हो जाएगी ना तब तक। इसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल के वैसे ही आ जाऊंगी, मैं पहले खड़ी थोड़ी ना रहूंगी। हम लोग धो रहे आज कपड़े, क्योंकि आज धूप लगी और कुछ भी कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, मैं कहा पहले कपड़े धो लेते हैं। आज से हमने कपड़े धो लिए थे, तो मैं कहा सुखाएंगे वॉशिंग मशीन में, क्योंकि फिर धूप चली गई है, फिर टाइम लगेगा, इसलिए तूने नहाना है ना, ये ना सारे इसमें डाल दे, ताकि ये अच्छे से जल जल तो रहा है ना। ये अभी हम उबल गया है, मेरे को बाल्टी दी है, मैंने ना सर भी धोना है आज, इतने ऐसे मत कर, दबाव पड़ जाता है, दे मेरे को बाल्टी, खोल इसको ऐसे मत कर। रात को आदू को इतनी ज्यादा खांसी हुई, फिर मम्मी 2:30 बजे आए और इसको दवाई दी, मेरी नींद खुल गई थी, मेरे को लगा सुबह होगी, पता तेरे को कल हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि अभी रोड ब्लॉक है ना, ऊपर बर्फ है पड़ी हुई, तो जा नहीं सकते ना, पर कल तेरे को हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम हो शर्मीले, आज शर्म के मारे तुम कुछ भी कर रहे हो आजकल, सो डिस्गस्टिंग। दीदी अच्छी यार, बहुत ठंड लग रही है, ये वाले कपड़े हमने इतने सारे कपड़े धोए हैं ना, और आधे तो ले दिए हैं ना, आधे तो मैंने मशीन में डाल दिए, आधे अभी और डालने। क्या हुआ? और तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहा रहा है? क्योंकि मैं मन कर रहा है। और ये अब सेकंड टाइम वाले कपड़े हैं, जो कि अभी वॉशिंग मशीन में डालने सुखाने के लिए, फिर इसको धूप में लगाएंगे, अगर थोड़ी देर के लिए धूप लगती है तो। मशीन में सुखाने के बाद ना सूख जाएगा, इसलिए यहाँ पे ठंड तो है नहीं, धूप नहीं, फिर धूप में लगाना। परे को लगा, परली साइड चल, परे हाँ, तो इधर कहाँ लगा रही है, कहाँ गई है, इधर तो परी नहीं गई, नीचे जाएगा इसमें, नहीं नहीं नहीं। अभी फर्स्ट वाले के हम लेकर गए, अभी सेकंड वाले के में ये वाला फुल टब है, ये वाला भी है, तो ये वाले भी ले जाएंगे और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। तुम दोनों नहाना है? तुम तो कल नहाए हो है ना, रोज रोज तुम नहाते नहीं हो, रोज रोज तो मैं भी नहीं नहा, एक दिन छोड़ के ही नहाती हूँ। मैं जाती हूँ हमाम धुला, जस्ट फ्रेश होके नहा के आई हूँ और 2:30 बज गए, आज का दिन तो सारा कपड़े धोने में ही निकल गया, क्योंकि कपड़े बहुत सारे धोने के लिए थे और पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, जितने भी कपड़े थे सारे धोने को पड़े थे, तो मैंने शगुन और गुड़िया ने तीनों ने मिलकर हमने सारे कपड़े धो दिए। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए धूप सेकती हूँ, क्योंकि मैंने बाल सुखाने, फिर धूप चली जाएगी, फिर बाल गीले गीले रहेंगे, फिर सिर दर्द होगा, इसलिए पहले मैं धूप सेकती हूँ। सीखते सीखते मैं वेली तो रह नहीं सकती, तो मैंने सोचा यार सॉक्स भी बना ही लेती हूँ ना, धूप का भी मज़ा भी लेती हूँ, बाल भी सुखाती हूँ और सॉक्स भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी रही है, ख़त्म होने वाली है,
तो जल्दी से सॉक्स भी बन जाएगी, धूप भी सको, मजे लो बस। बारिश पता नहीं एकदम से बारिश आ रही है और एकदम से इतनी तेज हवा चल रही है कि सारे कपड़े उड़ रही है, तो इसको मैं फटाफट से अंदर कर देती हूँ वरना फिर धोए हुए कपड़े फिर से गंदे हो जाएंगे। हाय आधे तो सूखे भी नहीं है यार। हे राम ये देखो एक सलवार तो नीचे चली गई, ये भी हे राम धोए हुए कपड़े खराब। उश उफ यार सारी मेहनत खराब। ये देखो उफ उश ये देखो धोए हुए कपड़े गंदे हो गए, धोई हुई मेहनत मेरी सारी खराब। पता नहीं क्या एकदम से इतनी हवा कहाँ से आ रही है। मेरी भी कुछ इज्जत है, धोई बुन रहा है ये मेरी सॉक्स क्योंकि मैं तो रुकी गई उसको बुनते बुनते, थकी गई हूँ मैं। बेचारी बहुत हेल्प करता है ये मेरी। ये हमारे कल के फन पॉप से हमने अभी तक नहीं खाए पर अभी हम इसको खाएंगे। सही बात है हम खाते फन पॉप तब तक। चलो इश मेरी पार्टनर है वो, मैं क्या अपना शक्ल दे तेरी पार्टनर का हम आपको नहीं है भरोसा है कब आएगी वो। हम तो खा लेंगे, हम तो दोनों पार्टनर साथ में ही है। कूल हिचकी आई और उल्टी आने वाली थी अभी अभी, क्यों पता नहीं। आज हम तीनों ने इतनी ज्यादा मेहनत की कपड़े धोने में, मैंने शगुन और गुड़िया ने, और जितनी भी मेहनत की वो सारी ख़राब होगी हमारी। मतलब यार इतनी मेहनत करने के बाद एकदम क्या हुआ, ठंड बहुत लग रही थी क्योंकि हमने ठंडे पानी से कपड़े निकाले सर्फ के बीच से, तो उसके बाद हम लोग चले गए किचन में आग सेकने और हम आग सेक रहे थे और एकदम से इतनी तेज़ हवा, इतना तेज़ तूफान आ गया कि जितने भी हमने कपड़े सुखाने को डाले थे वो सारे मिट्टी में गिर गए और मिट्टी भी गिल्ली गिल्ली थी क्योंकि बारिश हुई थी ना कल रात को और वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी जिस वजह से कपड़ों में वो सारी मिट्टी लग गई और कपड़े भी अच्छे से सूखे नहीं थे, थोड़े गिल्ले गिल्ले थे और वो मिट्टी उसमें बैठ गई और फिर वो कपड़े अब दोबारा को धोने को हो गए। मतलब जो कपड़े धुले हुए थे वो कपड़े फिर से धोने को हो गए, मतलब सारी मेहनत ख़राब हो गई हमारी। किस्मत देख रहे हो ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो अब जो वो कपड़े गंदे हुए हैं वो फिर से धोने पड़ेंगे अब दोबारा। चलो कुछ नहीं कर सकता, हमारी गलती है, हमें जल्दी आना चाहिए था किचन से। बट जब तक मैं आई फिर भी मैंने काफ़ी कपड़े उठा लिए थे, पर फिर भी जितने मैंने उठाए उठा लिए, बाकी गिर गए थे वो गंदे हो गए थे मिट्टी में, फिर वो दोबारा धोने पड़ेंगे मेरे को। आज का व्लॉग भी मैं अकेले ही एंड करूँगी क्योंकि आदू की तबीयत ख़राब है, कल इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। अभी फ़िलहाल बर्फ़ पड़ी थी जहाँ से हमने हॉस्पिटल जाना था, इसीलिए इसको नहीं ले जा पा रहे थे हम क्योंकि मेरे पापा मतलब उतने अच्छे ड्राइवर नहीं है, मतलब इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं कि वो कार निकाल पाए इजीली मतलब बर्फ़ के बीच से। दवाइयाँ थी हम यहाँ से लोकल मार्केट मतलब जहाँ पे केमिस्ट की शॉप है वहीं से लेकर आए थे, तो उससे यादू की तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो अभी कल इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अभी सोया है देखो, अभी सो रहा है, इसको मैं उठाऊंगी नहीं। और इसको आज वोमिटिंग भी हुई और भी सारे मतलब बहुत बीमार हो गया है ये, मैंने इसको नहीं बोला ये सो गया, फिर हमने साथ में एंडिंग नहीं करी वरना मैं और आदू हमेशा व्लॉग एडिट भी साथ में करते हैं और एंडिंग भी साथ में करते हैं, बट आज नहीं हो पाएगी ये बीमार है इस वजह से। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, होप आप सभी को पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।